शोषित पीड़ितों की मजबूत आवाज, एकलव्य मानव संदेश। आप देख रहे हैं कि चित्रकूट में पलायन करके हरियाणा दिल्ली से पहुंचे गरीब मजदूर परिवार, उनको प्रशासन द्वारा जो अमानवीय व्यवहार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, योगी सरकार में पानी की व्यवस्था न, खाने की व्यवस्था, लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर में ये करवी में एक कॉलेज है, वहाँ पर इनको सबको लॉकअप किया गया है और कोरोना के कहीं इनमें कोरोना की बीमारी साथ में ना आ गई हो, लेकिन इनके साथ जो बीत रहा है वो एक परेशानी। ये देखिए किस तरह से अपने बता रहे हैं कि हमारे लिए खाना नहीं मिल रहा, यहाँ बंद कर दिया ला करके। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पता लगे कि हमारे ये साधन जो हमने जिन अधिकारियों के ऊपर हमने लगाए हुए हैं, वो अधिकारी कैसे सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं और लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। गार्डन भर के तो पूरी तरीके चले जाएंगे, जांच जांच हो रही है, जा रही है, नहीं आ रहा है, ये खाना मिलेगा काम आ रहा है, खाना भी नहीं आ रहा है, मर गए कि नहीं, जांच होना चाहिए ना, जिस आदमी पड़ा आदमी तड़प रहे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, अरे बताओ आज कोई कर्मचारी नहीं आया, कल परसों तो चार चार 15 गाड़ी और ना कोई देखने वाला, ना कोई जानने वाला, मिनट में आती थी पूछने वाला, कोई नहीं दिखाई दे रहा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कितने आदमी यहाँ भूखे पानी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, तो क्यों पड़े हो, हम तो यही कहेंगे भाई कि सब लोग चलो एक हफ्ता और वीडियो बनवा करके भेज दिए, हमें इतना इतना खर्चा करवा दिए, अपनी व्यवस्था कर लिया, दिखा दिया टैंकर दिखा दिया, अपनी लैट्रिन बाथरूम दिखा दिया, इसके बाद कोई कानून सुनने वाला नहीं है, मतलब वीडियो बना के हमको भेज दिया केंद्र में, मोबाइल वोबाइल बंद करो भाई, मेरे को कुछ जाँच करवाए, छोड़ जाँच करवाना, बस हमें खाना चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए यार, खाना चाहिए नहीं, खाली हमको जाँच चाहिए, गार्डन भर के तू पूरी तरीके चले जाएंगे, जांच जांच हो रही है, नहीं आ रहा है, यह खाना मिलेगा काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मर गए कि नहीं, जांच होना चाहिए ना, जिस आदमी पड़ा आदमी तड़प रहे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, अरे बताओ आज कोई कर्मचारी नहीं आया, कल परसों तो चार चार 15 गाड़ी और ना कोई देखने वाला, ना कोई जानने वाला, 5 मिनट में आती थी पूछने वाला, कोई नहीं दिखाई दे रहा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कितने आदमी यहाँ भूखे पानी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, तो क्यों पड़े हो, हम तो यही कहेंगे भाई कि सब लोग चलो एक हफ्ता और वीडियो बनवा करके भेज दिए, हमें इतना इतना खर्चा करवा दिए, अपनी व्यवस्था कर लिया, दिखा दिया, दिखा दिया टैंकर दिखा दिया, अपनी लैट्रिन बाथरूम दिखा दिया, इसके बाद कोई कानून सुनने वाला नहीं है, मतलब वीडियो बना के हमको भेज दिया केंद्र में, मोबाइल वोबाइल बंद करो भाई, मेरे को कुछ मैं कहूँगी।